से आए और वो तो बैकुंठ छोड़ के आए कि नहीं, मेरे बच्चों ने आना है और मैं उनको सबको जा कर के मिल के आऊँगा। प्यारे, अभी ये बच्चा कुछ भजन बोल रहा था जिसमें उसने ये वर्णन किया कि तुमने माता बन के, पिता बन के कैसे कैसे मुझको संभाला, और अगर तू ना होता तो मैं तो कहाँ जाता। एक वैसे भी आप लोग भजन गाते हो, बड़ा पुराना सा भजन है, जे तू ना फड़दा मेरी बाँ, जे तू ना फड़दा मेरी बाँ, असा रुड़ जाना सी, सानू किते न मिलदी थां, असा रुड़ जाना सी, सानू किते न मिलदी थां, असा रुड़ जाना सी। तो प्यारे, हम लोग इस लायक ने, मैं अपना बात कहती हूँ, आपका तो आप लोग जानो, हम अपनी बात कहते हैं कि हम इस लायक नहीं थे कि कहां से उठाया। अगर हम अपना बैकग्राउंड याद करते हैं तो लगता है कि नहीं गायगी, कहां से उठाया और कहां पे पहुंचाया और कहां पे साधना हुई हमारी 13 साल बाई जी के पास, और कहां से लाए और फिर बीच में क्या क्या मोड़ आए और फिर उन्होंने स्वामी जी को भेजा और कैसे कैसे करके ये एक नया परिवार जुड़ा। ये सारी लीला श्री गुरु महाराज जी की है और इनके सिवाय और कोई आप मैं कर सकते है? सानू तो ये नहीं पता चलता, असि इत्थे बैठे साढ़े घर की हुंदा पिया, और इनको पूरी सृष्टि का पता, बैठे बैठे क्या क्या खेल करते रहते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। वैसे भी कल पितृ विदा हो गए और आज नराते आ गए, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछे, आप कहोगे आपका तो सत्संग सवालों से शुरू होता है, ये पितृवितर काहे मनाते हो, या मैं ये पूछूं इसी सवाल को बदल के कि ये जो आप लोग पितरों के नाम से देते हो क्या उन तक पहुंचता है? किसी ने देखा कि किसी के पितर ने आके कहा लिया तो मैंने समोसे आज खवाए, बहुत अच्छा मैंने मिल गया, ठीक है तू जिंदा रहे, किसी को पता चला कुछ? तो फिर आपको किस ढंग से, श्री गुरु नानक देव जी के टाइम की बात है, कहीं विचरण पे चल रहे थे, आगे मिल गया सेठ दुनी चंद, वही श्राद्धों के दिन चल रहे थे, और उसने जो है कहता बाबा जी बैठो लंगर छको, आज मेरे बापू का श्राद्ध है, वो कहते अच्छा, कहते मैं तो खा लूंगा, पर ये दस कि मेरे देने खाने पे तेरे पिता को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहते क्यों नहीं मिलेगा महाराज, आप खाओगे तो मिलेगा नहीं, इसीलिए तो खिलाया जाता है। कहते पुत्र मेरे, फला फला जंगल में चला जा, वहां पर एक शेर बैठा भूखा, आज वो 5 दिन से भूखा है, उसको शिकार नहीं मिला क्योंकि बूढ़ा होने के कारण भाग नहीं पा रहा, और उसको शिकार मिला नहीं और वो बूढ़ा बैठा हुआ है, तो तुम जो है जरा उनको देखिया, वही तेरा बाप है। ले मेरा बाप शेर कैसे हो सकता? कहते ये तो बाप से ही पूछ लियो जाके। बोला तो मैं जाऊंगा तो, पर वो शेर, पहली बात तो मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? कहते हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वो तुझे देख के कुछ नहीं गरजेगा, वैसे भी अब उसमें हिम्मत नहीं है गरजने की, बूढ़ा हो गया, तो तू जो है वहां चला जा, उससे कहना कि तुम मेरे को मिलो, मैं तुझसे बात करनी चाहता हूं, किस ढंग से तुम बात करोगे ये तो तुम जानो, पर मैं तेरे से बात करना चाहता हूं कि तुम कौन हो, क्योंकि गुरुमा जी पे बात पे भरोसा कौन करता है, आज का समय यही है। खैर, उनके कहने पे अपने एक बच्चे को साथ ले गया और जंगल में पहुंचा, गुरुमा जी ने कहना तुसी इत्थे बैठना, गुरुमा जी के हाँ मैं बैठा हूं, जा तो मिलके आ जाके, चला गया वहां। तो वहां पे जब गया तो वहां मिलके आया तो उसने प्रार्थना की गर्जा नहीं, वो तो उसको देख के शेर ने यूं ही सिर हिलाया, मतलब अपनी तरफ से इशारा किया कि आ जा,
अब मुंह ही तो हिला सकता बेचारा, बोला तो पानी का नहीं। तो फिर क्योंकि गुरु महाराज जी का पीछे आशीर्वाद था, तो वो जो शेर था एक इंसानी आवाज में बोल पड़ा, कहते बेटा जो उन्होंने बताया ना मैं वही तेरा पिता ही हूं, क्योंकि मैंने अपने जन अपने समय में जब मैं मानुष तन के अंदर रहता था, एक तो मैंने हेरा फेरी बहुत की, गोलमाल इधर से इधर इधर से इधर, इसका माल ले लिया इसको दे दिया, इसका ले लिया उसको, कुछ झूठ बोल दिया इसको, कुछ झूठ बोल दिया। दूसरा अगर इसने फिर पूछा तो इसको गुस्से में खाने को दौड़ो, तो फिर आज कर लो यही कुछ, गुस्से में खा ले भाई जिसको खाएगा। लेकिन बेटा मैं अब सच में बूढ़ा हो गया हूं, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तो सेठ दुनी चंद को थोड़ा दुख लगा कि मेरा पिता इस कंडीशन में और मैं तो हर साल करता रहा सब, एदे तक पहुंचा क्यों नहीं। फिर उसको जो है उसने कहा शेर ने कि बेटा जो तेरे घर में फकीर आए हैं ना उनके पास चला जा। हाँ यहां हम एक बात याद करा दे, सॉरी, गुरु महाराज जी ने उसको एक जल दिया था शीशी में कि जब तेरी सारी बात हो जाए तो ये जल उस पे छिड़क देना ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात करने के बाद जब शेर ने उसको ये बात कही कि तेरे घर में जो फकीर आए हैं वो उच्च कोटि के हैं और तुम उनका पल्ला कभी न छोड़ना, तो तुम उनकी शरण में जाओ, शायद मेरा भी हो जाएगा कल्याण इसी चक्कर में, बाकी तो जो है सो है। सारी बात करने के बाद उसने जो वही गुरु महाराज जी वाला जो दिया हुआ जल था उस पे छींटा मारिया, शेर चला गया अपने घर को और अर्थात तो उसकी मुक्ति हो गई। ये वापस आया, बहुत गुरु महाराज जी की शरण में पड़ा। तो गुरु महाराज जी ने भी पूछा और अब मैं भी आपसे ये बात पूछती हूँ, फिर अगर जब हमारा किया हुआ पितरों तक नहीं पहुंचता तो फिर क्या करना नहीं चाहिए, क्या कहते हो भाई लोगों? जब पितरों तक पहुंचना ही नहीं है ये दुनी चंद जी की बात के अकॉर्डिंग, तो फिर करना चाहिए या नहीं? क्यों पहुंचना तो है नहीं, तो बाबा जी ने पहुंचा दिया ना, बाबा जी साढ़े कोल कितने आंदे पे ये बता सकते हो कि ये शुरू किसने कर दिया? मैंने तो किया नहीं, तुमने किया हो तो पता नहीं, हमने ऐसे ऐसे काम मैं नहीं करते। वो बाबा जी बैठे हैं उनकी याद आ गई, कल बैठे बैठे बाबा जी की बात हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है, पास बैठेंगे तो वो कोई ना कोई सत्संग की बात जरूर चला देते हैं। तो कल कहते हैं बाबा जी, भाई जी एक गल दसो, ये श्राद्ध वराद जो करते ये शुभ है या अशुभ है? ये माता बैठे थे सामने, माता बोली अशुभ भी नहीं या की शुभ होना? मुझे दोनों उस उनकी बात पे भी हंसी आई, उनकी बात पे भी हंसी, मैंने कहा इनको पहले बोलने दो। फिर इन्होंने आपस में बातचीत की, बाद में मैंने कहा मैं शुरू हो जाऊं। हकीकत ये है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जो राजा हरिश्चंद्र को ना जानता हो, और वो दानवीर सबसे ज्यादा थे ना। उन्होंने अपने समय में खूब सोना चांदी दान किया, खूब बहुत कुछ, सतयुग की बात है ये, उसके पहले श्राद्ध नहीं होते थे, तभी से चले। तो इन्होंने जो है दान सोना चांदी हीरे मोती कभी कुछ रोज करते थे। जब उनका शरीर छूटा तो उनको जो है आगे जब पहुंचे तो सोना चांदी मिला गया खाने के लिए, अब इसी को खाओ, तुमने तो यही कुछ किया। वो बड़ा हैरान होया, कहता महाराज मैं सारी जिंदगी इन्हें दान पुण्य करता रहा तो मेनू अन्न नहीं मिलेगा? कहने तूने अन्न कभी दान ही नहीं किया, तूने सारा सारी जिंदगी ये सब जवाहरात वगैरह ही दान करता रहा, तो अब यही तेरे सामने है, अब इसी के साथ ही गुजारा करना पड़े। क्योंकि वो सत्यवादी था इसलिए उसने बेनती की कि क्या आप मुझे 10-15 दिन की छुट्टी दे दोगे, वापस शरीर में भेज दो, अभी इतनी जल्दी तो संस्कार भी नहीं हुआ, अभी तो शरीर रखा तो मैं वापस उसमें प्रवेश कर। कई लोग आप लोग कहते हो ना अरे वो बंदा मर गया सी फिर जिंदा हो गया,
कई बार सुनने में आती कि नहीं आती बात, अरे वो फलानी माता मर गई थी, फिर बाद में कहते हैं कि धर्मराज ने कहा वो तेरी पास वाली ले जानी थी, नाम की कंफ्यूजिंग हो गई और वो मर गई तुरे, तो कई बार वापस। लेकिन सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र थे जो जाने के बाद वापस आए किसी कारणवश। कहते क्या करोगे तुम, कहते वो मेरी बात है लेकिन जो है आप मुझे 15 दिन दे दो कुछ। 7वादी थे, मानना पड़ा धर्मराज को, 15 दिन के श्वास उनको वापस दिए गए। 15 दिन में वापस आने के बाद उन्होंने देह अंजल दान किया, अन्न जल कपड़ा जो भी उनको ये डेली रूटीन का जो सामान था यही दान करना शुरू किया। 15 दिन के बाद उनका शरीर छूट गया। जब वापस ऊपर पहुंचे तो धर्मराज ने और भगवान विष्णु ने उनको दर्शन देते हुए कहा, आने वाले समय में ये क्योंकि तुमने चाहे, क्योंकि अब तुम मर गए और पितरों में आ गए, पर तुमने अपने लिए तो सब कुछ किया, पितर हो गए ना, तो इस चक्कर में जो है ये पितरों के नाम से ही जो है ये दिन पितरों के नाम से जाने जाएंगे, और इन दिनों में जो कोई जितना भी अंजल वगैरह दान करेगा उसको पलट के आगे 10 गुना अपने, हम अपने पितरों का तो करना है तो जीवंदे जी कर लो, अपने बुजुर्गों को कुछ देना तो जीते जी कर लो, मरने के पीछे वो पता नहीं वो केड़ी योनि च बैठे हुए वो कौन सा देखने आ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मरने के बाद पता चलता कुछ, जीते जीता तुमने अपने घर वालों को बुजुर्गों को पानी ना पूछा तो पीछे तो उसी शरबत की दुकान लाई जाओ क्या होना। बड़ों को पहुंचाना है कुछ तो अभी कर लो जो कुछ करना है, बड़ों का आदर सम्मान करो, उन बड़ों में कुछ नहीं चाहिए, सारी जिंदगी वो हम लोगों को बेटा 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 करके वो बड़ा करते रहे, आज वो भी चाहते हैं उनके मन में भी, क्योंकि बड़ा होने के बाद फिर वो बच्चा हो जाता है, बड़ा बुजुर्ग बच्चा बूढ़ा एक समान, तो जब बच्चों की तरह उनका हो जाता है तो फिर वो बुजुर्ग भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे प्यार से बात करे। लेकिन आज की औलाद, अरे पापा तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, जाओ तुम बैठो जाए, दादाजी आपका तो चश्मा ही टूटा रहता है, मैं कहां तक बनवा के दूं, आप मैं अपना परिवार देखूंगा तुम्हारा चश्मा, बाद में तुम बड़े बड़े लंगर लगाओगे तो क्या होगा। हमने ये जो कुछ इन 15 दिनों के अंदर जो है ये राजा हरिश्चंद्र का उपकार है हम सब पे कि हम इन पे जो है जो कुछ भी करेंगे इन दिनों में ये एक हमारा अलग से रजिस्टर तैयार हो जाएगा और वो फाइल हमारी एक अलग से तैयार होएगी, ताकि कभी भी हम इस दुनिया से विदा हों, देर से 100 साल बाद 1000 साल बाद देखने तो जाना ही जाना प्यारे, हमारा रजिस्टर आगे से खुला मिले। ये हम पितरों को कुछ नहीं कर रहे, आज साढ़े मां का श्राद्ध या साढ़े प्यो का श्राद्ध है, ये सोचो तू तो तुम अपना ही करी आते, मैं तो अपना कर चुकी, मजाक नहीं कर रहे मैं सच बता रही, मैं अपना श्राद्ध कर चुके, कल भी बता रहे थे हम, वो एक अमृतसर से माता आई हुई थी तो हम लोग उसको नानी जी कहते थे, तो वो जो है उसने जैसे जो है एक दिन ये श्राद्धों के दिन चल रहे थे तो मेरे पास ही थी तो मेरे से कहती है पुत्र जी बोली पुत्र जी मैं अमृतसर में थी तो लोग श्राद्ध करते थे मुझे बुलाते थे, मैं जाती थी खीर खाने को मिलती थी, अब यहाँ तो कोई श्राद्ध ही नहीं करता, अगर कोई करता तो अपने घरों में करता, कोई बुलाता ही नहीं, मुझे खीर ही नहीं मिलती। अब आगे से हम ठहरे हम, मैंने कहा नानी जी ये की गल है, मैं अपना श्राद्ध कर लेंदी और उस खीर बना लेंदे, या तो माता जी मुझे रोकते। आगे से माता बोली हाँ हाँ पुत्र जी मरिया किने कीता, लोग अपने हाथी कर लो तो बड़ा अच्छा होता, गार्गी तैयार, तब तो गार्गी नहीं बनी चरणजीत थी, अब हम तैयार। अब हमने दूसरे दिन उसी दिन रात को छोले छुले जो जो आडंबर आप लोग सब बनाते हो मैंने सारा बनाया, तो पापा थे दुनिया में, मैंने सारी आइटम बनाई और गुरु महाराज जी को भोग लगवाया, मेरा श्राद्ध है, गुरु महाराज जी भी सोचेंगे लता दी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
गुरु महाराज जी ने खाया कि नहीं खाया ये तो गुरु मा ही जाने। लेकिन फिर उसके बाद पंडितानी भी थी, तो मैंने कहा नानी जी आप भोग ले लो। नानी जी को दिया और कुछ पैसे ऐसे भी दे दिए। उसके बाद में थाली आई पापा के पास। पापा ने यो थाली देखी, कहते आज कुछ है क्या? मैं तो कुछ नहीं बोली मारे डर के। वही माता ही बोली, कहते पुत्र जी खा लो, आज ना चरण दा श्राद्ध है। पापा बोले बुद्धि भ्रष्ट होगी, चरण दा श्राद्ध है। ज्यों दी धी दा जो श्राद्ध प्यो ही खाया, कहने चुक ओ थाली ओ मारी बगा के कितने गए छोले ते कितने गई खीर कितने गया सारा कुछ। कहते मैनू नमकीन चौल बना दो खिचड़ी बना दो, मैं नहीं खाता अपना श्राद्ध तो खुद ही खा। दिमाग खराब है। अगला साल आया तो पापा हमारे बीच में नहीं थे। अब उधर माता के साथ क्या होता है, माता ने तो खा लिया। रात को उसको नाना जी धर दबोचा पकड़ी संगी हो दी। सवेरे उठी उठ के बार बार मैंने कहा पुत्र जी ये ले लो, पुत्र जी ये पैसे, कहनी पुत्र जी ये ले लो। मैं माता क्या हो गया? कहंदी रात को मुझे तेरे नाना जी मिले और इतना उन्होंने मेरे को दबा के गला कहा, कहने तेरे तेन शर्म नहीं आई? जीऊंदी दो त्री दा सरा तू ही खाना, दिमाग खराब तेरा? अभी दो त्री दा और जीऊंदी दा श्राद्ध खा के, अरे तूने खीर खानी थी वैसे ही कहंदी कि बेटा थोड़ा खीर बना ले, तो तूने श्राद्ध का नाम क्यों लिया? खूब जो नाना जी ने अपनी भाषा में उनको जैसे भी समझाया, ये तो वो जाने सवेरे मुझे पैसे दे। मैं क्या मता हो गया तो हो गया, अब तुम चाहे मंदिर चढ़ा दो चाहे अपने पास रखो, अब मैं वापस ना लेने की, ये मेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा चलो काम मेरा बन गया। तो ये जो श्राद्ध सा जो किया जाता है, तो ये एक तरह से हम अपने लिए ही कर रहे हैं। कर लो याद पितरों को, ये नहीं क्या तुम लोग पितरों को याद करना ही बंद कर दो, तो पितरों को याद कर लो, लेकिन उसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर हम अपने लिए ही रहे हैं। और आज से माता रानी आ गई है, तो जय माता दी सबको। श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, आशीर्वाद बख्शें। बात शुरुआत में चलेगी उनके एहसानों की। कन्हैया ने अपने समय में किसी की मटकी फोड़ी, किसी का माखन चुराया, किसी का कुछ किया, किसी का वस्त्र चुराया, किसी का कुछ, उसने जो कुछ भी किया कुछ सिखाने के लिए किया। मटकी तोड़ी उसके पीछे कारण था कि उन्होंने यह सिद्ध करना था कि ऐ जीव संभल जाओ, ये शरीर भी मिट्टी का मटका है और ये तुम्हारे सर पे भी मिट्टी का मटका है। जैसे मैंने एक बांसुरी मारी और बांसुरी मटका टूट गया, ऐसे ही इस पे किसी दिन भी एक भी थप्पड़ पड़ गया काल का, ये भी फूट जाएगा। वस्त्र चुराए उसके पीछे वो ये सिखाना चाहते थे कि बहते जल में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। मक्खन खाया चुरा के खाया, मक्खन इनके घर में तो 900,000 गाय थी, इनको तो कमी नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि ये जो उनके ग्वाले हैं ये बड़े गरीब हैं। जो होता है मक्खन वो मथुरा चला जाता है कंस के पास, तो बड़े हैं, तो वो चुरा चुरा के सब ग्वालों को खिलाया करता था और खुद भी लेप लेता था, और बाद में सब लोग उसी को पिटवा देते थे, बताओ मेरा छोड़ बोला सा भाई। लेकिन इतना सब कुछ हुआ, कुब्जा को सीधा किया, बिल्ली के बेर खाए, मैं उस समय पास नहीं थी, लेकिन जो हमारे साथ बीतेगा उसके तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण में है ना। इसी बीच में एक हफ्ता 10 दिन के अंदर मेरे साथ 3 घटनाएं ऐसी घट गई हैं जिसमें हम इस लायक तो नहीं, लेकिन ये मान रहे हैं कि हमें दिखाई दे या ना दे, पर मैं उनकी नजरों में। एक दिन की बात है, हमारे जो नीचे के डेंचर थे ये टूट गए, मुंह के अंदर ही टूट गए। अब एक बार तो समझ में ना आई कि हुआ क्या, उसमें एक पीस छोटा था और एक पीस थोड़ा बड़ा था, तो ये जो छोटा पीस था वो गले में फंसने ही जा रहा था, ईश्वर जाने कहां से गले में टॉन्सिल हो गए और उसने उसको रोक लिया, और उसके बाद हमने निकाला टॉन्सिल ठीक हो गया। हम हैरान है वो अचानक टॉन्सिल ऐसे कैसे तो हुआ और कैसे गायब हो गया।
दूसरा अभी ये किसी को पता किसी को नहीं पता, मुंह का ऑपरेशन हुआ है और ये तो आप सब जानते ही हो कि पिछले 19-20 सालों से दांत हमारे नकली ही चल रहे हैं, इम्प्लांट लगे हुए थे। अब वो क्या है, नकली दांत होने की वजह से धीरे 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 हड्डी घिस गई, खत्म हो गई। तो वो बार बार कहते हैं कि बार बार हम हड्डी नहीं ढूंढ पाएंगे तो तुम डेंचर फिक्स करवा लो। बीच में उसने मुझे बहुत डरा दिया, मैंने कहा बहन कर ले जो करेगी। अब फिक्स वाली बात आई, 6-7 डॉक्टरों की टीम बुलाई गई, डॉक्टर भी थे और कंपाउंडर वो सिस्टर सब लोग थे मिलजुल के सब लोग। अब क्या हुआ, बीच में जो इम्प्लांट लगे उसी जगह तो और लगेगा नहीं, दूसरी जगह जो लगेगा तो उसमें बोन नहीं मिल रही। एक एक पॉइंट पे फोटो खींच रहे हैं, उसमें देख रहे हैं मशीन में, बोन यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। और बार बार जो सुन की थी हड्डी वो भी खत्म हो रही है, दे सुइयों पे सुइयां ठोक के जा रहे हैं। ये मेरा भाई जिसको आप लोग इतने इतने ब्लेम लगा देते हो, मटकी तोड़ गया, चुन्नी फाड़ गया, ये कर गया, वो कर गया। डॉक्टर का कहना है कि मैं लास्ट में उसने जब देखा तो कहता मैं वो फोटो को लगा के स्क्रीन पे देख रहा था, तभी मैंने देखा कि एक कोई छोटा सा बच्चा आया है और उसके हाथ में ऐसे एक बांसुरी सी है और वो ना फोटो पे लगा रहा है कि देखो यहाँ 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 हड्डी मिलेगी। 8 जगह पे पॉइंट मार गया और 8 जगह पे ही उन्होंने पॉइंट ढूंढा और फट से 1.5 घंटे में काम हो गया, जबकि पहले 1.5 घंटा खराब कर चुके थे। हम 3 घंटे तक मुंह खोले खोले थक गए थे। कैसे कहें कि वो अंगसंग नहीं है, एक तो बात है कि हम बोल रहे हैं अंगसंग सतगुरु सतगुरु, और एक है वो करके दिखा रहे हैं कि मालिक हमेशा हमारे साथ है। तीसरा ये चश्मा, ये भी अभी हाल फिलहाल की बात है, जन्माष्टमी के बाद ये 6ठी पे आप सब लोग जो जो भी आए थे उसमें हमारे ये नवीन भाई भी थे, ये भी आए। 6ठी पे बच्चा नया चश्मा बना के लाया, 6ठी 12 की थी, ठीक है, और 12 के बाद जो थोड़ा वो सेटेड बदलना और सारा कर करा करके हमको कपड़े धोने थे, कपड़े भी हो गए काफी इकट्ठे। अब पानी गर्म डालते हैं तो कपड़े को निकाल के जब निचोड़ें तो उसमें स्टीम में फिर इसके आगे धुंधलापन आ जाता है, तो हमने इसको उतार के ड्रायर वाले कोने के ऊपर रख दिया खाने पे। लेकिन ना जाने कैसे गलती से वो कपड़े जो उसमें और डाले तो ये चश्मा भी फ्रिज उसके अंदर, पूरा 15 मिनट का है टाइमर उसका, 15 मिनट तक मशीन चलती रही और 15 मिनट तक चश्मा जी भी धुलते रहे। मेरे को 5-7 मिनट के बाद मेरे वो बच्चा सुनते हैं या जो गए हैं, माँ आपका चश्मा कहाँ? मैंने देखा, मैंने कहा वे चश्मा से बाहर देख उधर देख इसको दौड़ाया, बोले चश्मा तो नहीं है। मैं कह लगता गया। अब मैंने कहा नया चश्मा, सही बताऊं तो दिल से इतना दुख लगा। मैंने कहा गार्गी अभी 6ठी में बच्चा लाया, 12 तारीख अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ, घर जाके उसने ढंग से सेटिंग ना की होगी बच्चे ने और ये शहीद हो गया। बड़ा दुख लगा भाई। कहते हैं ना वो तो सबका भाव रखते हैं, उस बच्चे का कैसा भाव था। और हार्डली दुख तो मुझे भी बहुत हुआ, पहले एक चश्मा ये लेके गया उसको बंदरों ने चबा डाला, वृंदावन गए थे, अब ये दूसरा हुआ तो ये वॉशिंग मशीन में चला गया। और मैंने कहा गार्गी तो बच्चा बच्चों से भी गई भी थी, दूसरे दिन चश्मा तोड़ देती, एक तो चश्मा महंगा बड़ा बनता। बड़ा सच में दुख लगा, लेकिन उसकी लीला क्या बताएं। कपड़े एक एक करके निकाले, निचोड़ के बाहर फेंके, उसमें टब में डाले और धीरे धीरे देखा तो एक कमानी हाथ में आ गई, तो उस चश्मे की एक कमानी निकल के हाथ में आई। फिर और निकाले तो दूसरी साइड पर दूसरी कमानी भी आ गई। बाद में जब सारे कपड़े निकाल दिए, अरे इतना ये सोचो तो ये फ्रेम फ्रेम कमानियां टूट गई, टूटी के निकली पता नहीं, कमानियां टूट गई
और फ्रेम शीशे समेत एज इट इज पड़ा हुआ, शीशे पे एक भी स्क्रैच तक नहीं आया। अरे कम से कम मशीन का होता, ये कमीज के बटन होते हैं, पांचे होते हैं, स्क्रैच तो आ सकता था। इतना मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा नवीन को तो जब होगी, जब बताएंगे तब होगी, जो भी होगी, लेकिन मुझे इतना रहा। मैंने गुल महाराज जी तुसी लाज रखी, मेरी हिम्मत नहीं पैनी, मैं उसको दोबारा कहूं भाई वो शहीद हो गया, ये क्या हुआ। फिर वो इसके बिना तो बिल्कुल ही काला अच्छर, भैंस बराबर, भैंस कह लो, गाय कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद में ये गया और फ्रेम, फिर उसने अभी तक हमने लगा अभी इस बच्चे ने बदला है फ्रेम। चड्डा जी से बात हो रही थी, मैंने कहा अभी नवीन को बताना कुछ मत, केवल यही कहना भाई तू फ्रेम ले आ, और वो फ्रेम फिर बदला गया। तो मालिक कैसे अंग संग साथ रह करके अपने समय में जब वो शरीर में थे तब उन्होंने कैसे कैसे लीलाएं की, लेकिन आज वो शरीरिक लीला तो समेट चुके हैं, लेकिन वो आज भी हम सबके साथ है। बड़ी पुरानी बात याद आ गई, हम सफेद कपड़ों में थे, 94 में चोला मिला, तो ये मेरे ख्याल 92 की बात है। नंगली साहब में हम लोग बरांडे में पोछा लगा रहे थे दरबार में, इतने में एक ये अंकल जी बैठे हैं, इनसे भी बुजुर्ग बंदा आया और आके कहता मुझे ना मेरे गुरुजी से मिलना है। तब तक मंदिर बंद हो गया था, सोनलाल बाबा जी थे तब, तो बार बार कहे बाबा जी को, बाबा जी मुझे ना अपने गुरु जी से मिलना है। वो बोले तेरे गुरु का नाम क्या, नाम तो बता। कहते मुझे नहीं पता, कल मेरे घर आए थे, मुझे नाम दे के गए हैं और जो है मेरे को उनसे मिलना है। अब वो सोनलाल बाबा जी भी हमारे अपनी किस्म के हैं, अब तो थे में चले गए बेचारे। एक बार दो बार तीन बार टाला थी, नाम बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है। लास्ट में बाबा जी ने एक तीसरी युक्ति निकाली, कहते हैं देख भाई अब ये लंगर की घंटी बजने ही वाली है या बज गई होगी, तो तू लंगर में जा, वहां सारे गुरु लोग आएंगे, तो तू उसमें अपना गुरु पहचान लियो, तब तक मंदिर मैं तेरे लिए खोल देता हूं, तो मंदिर में दर्शन कर ले। तो उधर पीछे से खोल के हल्का सा उसको दर्शन करवा दिए। अरे भाई हम लोग वहीं थे, जो वो आदमी चिल्ला के रोया, कहता क्या ये इस रूप में है, ये तो कल मेरे घर में गए थे, मुझे नाम दे के गए और कह के गए थे मैं नंगली साहब मिलूंगा, इनसे को बाहर आए मुझे बात करनी है। शरीर में नहीं है लेकिन तब भी जिसका भरोसा है, जिसका प्यार है, जिसने अपना आदर्श कायम रखा हुआ है, आज भी वो उसके साथ पग पग पे है, बशर्ते हमारा विश्वास डावाडोल ना हो। परीक्षाएं तो ये सबकी हुई है, राजा हरिश्चंद्र की कम हुई, राजा मोर ध्वज की। आपसे मैं कहूं अपने बेटे का सिर काट दो, कहोगे तेरा दिमाग खराब, निकल यहां से। एक तरफ माँ एक तरफ बाप और बीच में ताम्र ध्वज का सिर काट रहे हैं, हो सकता हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज राजा मोर ध्वज का नाम है। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी के उपकार, श्री गुरु महाराज जी की लीला, इन महापुरुषों की करनिया, इन्हीं की करनी का ही हम लोग खा रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारी कमाई कमाई किसी की कुछ ना है, हम अपनी बता रहे हैं, तुम लोगों की नहीं पता। ये मत सोचना हम लोग मेहनत करके दुकान में कमाते हैं, जी हमारी अपनी कमाई है। तुम्हारी दुकान में भी वो बरकत ना डाले तो देखे तुम कैसे कमाई करते हो, उसमें भी उन्हीं का आशीर्वाद सम्मिलित है। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी रहमत कदम कदम पे अगर हमारे साथ ना हो तो प्यारे हम किसी भी लायक नहीं है। या आप लोग हो आप लोग उनकी रहमत के बिना, मैं तो नहीं हूं, आपका भी पता नहीं। क्योंकि जब तक बड़े सिर पे होते हैं माँ बाप बेफिक्र हो, बच्चे बेफिक्र होते हैं, अरे पापा को देख लेंगे, और मम्मी है ना मम्मी को बता दे। हम्मी ने एक बार क्या किया, मम्मी ने मुझे ये बात कहा था कि बेटा अगर तू किसी की सिर भी काट आएगी ना पर मुझे बता दियो, मैं संभाल लूंगी। अब ऐसी बात हुई तो पास में हम लोग लड़कियां खेल रहे थे, छोटे ही थे, तो एक किरण लड़की, उससे मेरा झगड़ा हो गया, मैं मारा चांटा, चांटा लग गया जोर से, लग गया आंख में, हम डर के मारे भाग आए।
और मैंने आके घर में मम्मी से सबसे पहले बताया, मैं क्या मम्मी मैंने ना किरण के थप्पड़ मारा था, मेरे से लड़ रही थी, उसकी ना आंख में लग गया। तो मम्मी बोली कम से कम उसकी आंख में फूक तो मार देती पागल। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को डर लग गया, मैं भाग आई। उसकी माँ किरण को साथ लेके जो आ गई, देखो तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। मम्मी बोले लड़ाई अपन बाद च कर लेंगे, पहले इसके लोग आंख में ना कपड़ा रख के फूक मारो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, कुदरत कृपा करेगी, श्री गुरु महाराज जी दया दृष्टि करेंगे, ऐसे परेशान ना होइए, कृपा यही रे। फूक मारी दो चार बार, मम्मी ने मारी और ठीक हो गई। तो माँ के भरोसे बेफिक्र थे ना, चांटा भी मारे मम्मी देख लेंगी। और जब बच्चे खुद चाचा बनने लगते हैं, पापा पापा कहते थे बहुत सुखी रहते थे, जब से पापा कहलाया है जीवन में दुख पाया है। माँ बाप के भरोसे उनके सिर पे बच्चे जो ऐश, ऐश तो माँ बाप के पैसों पे होती है प्यारे, अपनी कमाई से तो रोटी ही मुश्किल से चलती है। गलत कह रही हूं तो बता देना, माँ बाप के पैसों पे, पापा हमको ये पैसे दो हमने ये लेके आना, पापा पापा बेचारा जो है टूटी जूती खुद पा करके तुहानू नवे जूते ले आ देगा। ऐश तो माँ बाप के पैसों पे होती है और अपनी कमाई में तो रोटी ही मुश्किल से चलती है। अगर गलत कह रहे हो तो बता दो। तो प्यारे हम भी उनका दिया खा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भरोसे हैं, जैसे भी वो रखे चले आएंगे। यहाँ से भी सुरेश भाई ने भी फोन पे कहा, कहते आपके मुंह की ऐसी कंडीशन है 15 टांके लगे हुए हैं, तो आप देख लो शरीर पहले। मैंने कहा नहीं चलो देखते हैं जैसा भी है, पर कोशिश करेंगे। फिर डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं आप जाइए थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगा। खैर चले आए, आप सबसे मिलना था, है ना। तो प्यारे हम सब उस मालिक के भरोसे हैं, उनके सहारे हैं। और एक उनका सहारा लेने पे एक और बात हो जाती है, वो क्या है, मेरे अपने भी बेगाने सन, मेरे अपने भी बेगाने सन, जद गल नल लाया जेड़ी घड़ी नी, मैं उस घड़ी दा मुल पावानी, मैं उस घड़ी दा मुल पावा, तेरे चरना च आई जेड़ी घड़ी, तेरे चरना च आई जेड़ी घड़ी, तेरे मिलने तो पहला की दसा। ये बस फैक्ट है, तेरे मिलने तो पहला की दसा, मेरे अपने भी बेगाने सन, अज बेगाने भी अपने ने, अज बेगाने भी अपने ने, तुसा चरणी जलाया जेड़ी घड़ी, तुसा चरणी जलाया जेड़ी घड़ी नी, मैं उस घड़ी दा मुल पावा। पहले अपने से ही परिवार में कई लोग बिगड़ा बिगाड़ खाता हो जाता, ये है अपने हो जाते ना पराए। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी की शरण में, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं था, ईमानदारी से बताएं, और आप क्या मुझे जानते थे ना, मैं आपको जानती थी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनके श्री चरणों में आने के बाद आप सब लोग ऐसे लगते हो आप तो हमारे रिश्तेदार हो, पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है, हो चाहे बेगाने लेकिन फिर भी अपने लगते हैं। तो ये उस मेरे मालिक की रहमत है, ये उनकी कृपा है। प्यारे मुझे आज वापस भी जाना है, इसलिए वाणी को हम यही विराम देंगे। आज का ये जो लंगर किसकी तरफ से था,
लंगर किसका था? मालपट वाले बहन जी, विनीता जी अभी तो बैठे थे, कहाँ चले गए पता नहीं। उनकी तरफ से श्री गुरु महाराज जी उनकी को कमाई में बरकत बख्शें, आशीर्वाद बख्शें। और आप सब भी प्यारे, निराश नहीं होना, आप सब भी जिस जिस भाव से उनके श्री चरणों में आए हो, श्री गुरु महाराज जी आपको अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, घट घटवासी भगवान की।